नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद में आज कोर्ट के आदेश पे एक टीम सर्वे करने और वीडियोग्राफी करने पहुंची। टीम में कोर्ट कमिश्नर सहित हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वादी और वकील शामिल है। इस परिसर में जैसे ही टीम दाखिल हुई, उससे पहले ही शुक्रवार को जुमे की नमाज होने की वजह से बेतहाशा भीड़ पहुंच चुकी थी। संभालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन चूंकि पुलिस को कोर्ट से निर्देश था, इसलिए पुलिस मुस्तैद थी, तत्काल भीड़ को काबू किया। वीडियोग्राफी और सर्वे के जरिए पता किया जाएगा कि जो मस्जिद परिसर है उसमें श्रृंगार गौरी और जो विग्रह है वो कहाँ कहाँ पे है। अदालत की तरफ से नियुक्त वकील कमिश्नर सर्वे करेंगे और देखेंगे कि मां श्रृंगार गौरी और दूसरे विग्रह तथा देवी दूसरे देवताओं की क्या स्थिति है। इस सर्वे में किसी तरह की नाप जोक नहीं हो रही है, बल्कि सिर्फ ये पता किया जा रहा है कहाँ कहाँ पर विग्रह है। गुरुवार को ही तय हो गया था कि श्रृंगार गौरी और दूसरे विग्रहों देवी देवताओं के स्थान का सर्वे होगा। अजय मिश्रा जो कि वकील हैं, उन्होंने कमिश्नर के रूप में अदालत ने नियुक्त किया है। अपने साथ सर्वे के लिए सभी सामानों की सुरक्षा की गुहार लगाई थी, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नरेट को दी गई थी और तब से पुलिस मुस्तैद थी और इस तरीके से आज सर्वे हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में नया मोड़ तब आया जब 18 अगस्त 2021 को एक स्थानीय अदालत में पक्ष गया और गौरी गणेश सहित दूसरे देवी देवताओं की पूजा का अधिकार मांगा। अभी साल में एक बार ही गौरी गणेश की पूजा की इजाज़त है। अदालत ने विवाद को सुलझाने के लिए पूरे परिसर की वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दिया। माना जा रहा है कि इस वीडियोग्राफी और सर्वे के बाद अगर कोर्ट गौरी गणेश और दूसरे विग्रह सहित तहखाने पर कोई राय बनाता है तो फिर ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का ऐतिहासिक विवाद भी निर्णायक मोड़ पर पहुँच जाएगा। और इस सर्वे टीम के पहुंचने से पहले काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 पे अचानक एक महिला नमाज पढ़ने लगी। बहुत देर तक पुलिस इंतज़ार करती रही कि महिला जो है जल्दी से अपना नमाज ख़त्म करे, लेकिन जब उसने ज़्यादा टाइम लिया तो महिला पुलिस बढ़ा करके तत्काल उसे हिरासत में ले लिया गया। वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र की ये महिला रहने वाली है। इसका नाम आयशा बताया जा रहा है। उसको थाना चौक पुलिस ने विश्वनाथ मंदिर के बाहर नमाज पढ़ने को लेकर के हिरासत में लिया। गेट नंबर 4 पे वो नमाज पढ़ रही है, आप वीडियो में देख सकते हैं। अब एक बात ये भी आ रही है कि ये महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ है। गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद में ऑलरेडी जुम्मे की नमाज की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी और इधर इस महिला ने गेट नंबर 4 पे नमाज पढ़ा। हड़कंप मचना स्वाभाविक है, पुलिस मौके पे वहाँ पे होती ही है। पुलिस कुछ देर तक तो स्थिति को समझने की कोशिश करती रही, उसके बाद जब उसने देखा कि महिला बहुत देर लगा रही है, फिर महिला पुलिस के जरिए उसको हिरासत में ले लिया गया। और अब बात आ रही है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है, छानबीन अभी जारी है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।